2019 के लोकसभा चुनाव का 78% हिस्सा आज समाप्त हो गया। कुल मिलाकर अब तक 5 चरणों में 425 सीटों पर मतदान हो चुका है और आज पांचवें चरण में 51 सीटों पर करीब 63% मतदान हुआ, जबकि 2014 में इन सीटों पर 62.1% मतदान हुआ था। ये अंतिम आंकड़े नहीं हैं, आंकड़े अभी बदल भी सकते हैं, अभी मतदान का प्रतिशत और बढ़ सकता है। वर्ष 2014 में इन 51 सीटों में से बीजेपी ने 39 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटें जीती थीं। यानी चुनाव का यह चरण भी बीजेपी के लिए बहुत कीमती है और आज बीजेपी की ज्यादा सीटें दांव पर लगी हुई थीं। अब तक सभी 5 चरणों में कुल मिलाकर 68.3% मतदान हो चुका है, जो 2014 के मुकाबले करीब 2% ज्यादा है। 2009 के मुकाबले 2014 के चुनाव में 8% मतदान ज्यादा हुआ था। बहुत बड़ा जंप आया था मतदान में तब, और वो इसलिए था क्योंकि उस समय जबरदस्त मोदी लहर चल रही थी। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि 2019 में मतदान प्रतिशत गिरा नहीं, बल्कि वो जो 8% का जो जंप आया था वो जंप तो बरकरार रहा ही, बल्कि उसमें 2% और बढ़ गया। इसका मतलब बहुत साफ है कि जनता में वोट डालने के प्रति उत्साह बना हुआ है। नोट करने वाली बात यह भी है कि दूसरे चरण के अलावा किसी भी चरण में मतदान प्रतिशत घटा नहीं है बल्कि बढ़ा है। दूसरे चरण में भी मतदान सिर्फ 0.18% घटा था। मतदान में सबसे ज्यादा इजाफा चौथे चरण में हुआ है, जब 71 सीटों पर वोट डाले गए थे। आज पांचवें चरण में भी 2014 के मुकाबले करीब 0.25% ज्यादा मतदान हुआ। अगर छठे और सातवें चरण में भी स्थिति यही रही तो 2019 के लोकसभा चुनाव का मतदान प्रतिशत भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा होगा, ये नया रिकॉर्ड बनेगा। पांचवें चरण का सबसे बड़ा मुकाबला उत्तर प्रदेश में अमेठी की लोकसभा सीट पर है, जहां कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच कड़ा मुकाबला है। रायबरेली से यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी उम्मीदवार हैं। इसके अलावा लखनऊ से गृह मंत्री राजनाथ सिंह उम्मीदवार हैं। वहीं जयपुर रूरल लोकसभा सीट से केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर उम्मीदवार हैं। आज पश्चिम बंगाल अपनी वोटिंग की वजह से नहीं बल्कि अपने हिंसा की वजह से पूरे दिन चर्चा में रहा। पश्चिम बंगाल बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है। पश्चिम बंगाल ने भारत को अपना राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम दिया है। पश्चिम बंगाल भारत का वैचारिक प्रतिनिधित्व करता है। पश्चिम बंगाल के लोग बहुत विचारशील और बुद्धिमान हैं। ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हर बार इतनी हिंसा क्यों होती है। आज हमने इस पर भी रिसर्च किया है। लोकसभा विधानसभा और पंचायत चुनाव, पश्चिम बंगाल में कोई भी चुनाव बिना हिंसा के पूरा नहीं होता। सारा देश जानना चाहता है कि पश्चिम बंगाल में ही इतनी हिंसा क्यों होती है, बाकी किसी राज्य में क्यों नहीं। चौथे चरण में मुर्शिदाबाद में एक व्यक्ति की चुनावी हिंसा में मौत हो चुकी है। हर चुनाव में पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा में सैकड़ों लोग घायल होते हैं। यहां हिंसा चुनाव की एक संस्कृति बन चुकी है। पांचवें चरण में भी पश्चिम बंगाल में जबरदस्त हिंसा हुई। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी के एक पोल एजेंट को धमकी दी गई। इस धमकी के बाद वहां पर हिंसा हुई और जिस पोल एजेंट को धमकी दी गई उसकी मां आज मीडिया के सामने अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर रोती रही। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी के जिला अध्यक्ष पर हमला हुआ और उन्हें चोट लगी। बैरकपुर से भी हिंसा की खबरें आई हैं। वहां पर पथराव हुआ जिसमें जी मीडिया की गाड़ी के शीशे टूट गए। हमारी संवाददाता कोमलिका सेन गुप्ता भी इस गाड़ी में बैठी थी, जो बाल बाल बच गई। पश्चिम बंगाल में एक पोलिंग बूथ के अंदर भी काफी हंगामा हो रहा था और जब ये तस्वीरें आप देखेंगे तो तस्वीरें देखकर लगता है जैसे पश्चिम बंगाल में जंगल राज है।
इसके बाद बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पश्चिम बंगाल की चुनावी हिंसा पर चिंता जताई। बीजेपी ने मांग की थी कि पश्चिम बंगाल में हर पोलिंग बूथ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने सिर्फ संवेदनशील पोलिंग बूथ्स पर ही केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए। बीजेपी ने चुनाव आयोग से हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने यह मांग भी पूरी नहीं की। आज बीजेपी ने कहा कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं रहा है। बीजेपी ने बैरकपुर में दोबारा चुनाव करवाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का बहुत पुराना इतिहास रहा है। पश्चिम बंगाल में 34 वर्षों तक कम्युनिस्ट पार्टियों का राज रहा। विद्वानों का मानना है कि इस हिंसा के पीछे चरमपंथी विचारधारा है। कम्युनिस्टों के एक नायक और आधुनिक चीन के संस्थापक माओ के दो कथन बहुत प्रसिद्ध हैं। पहला कथन यह है कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, और दूसरा कथन यह है कि राजनीति बिना खून खराबे वाला युद्ध है और युद्ध खून खराबे वाली से पहले। कांग्रेस पार्टी और सीपीएम के बीच में हिंसक संघर्ष हुआ करता था। टीएमसी ने वर्ष 2011 में सीपीएम को बंगाल की सत्ता से बाहर किया। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदल गई, लेकिन राजनीति में खून खराबे की संस्कृति पहले की तरह ही रही, वो बदली नहीं। कुछ वर्षों तक पश्चिम बंगाल में टीएमसी और सीपीएम के बीच राजनीतिक हिंसा होती रही, लेकिन वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसा हो रही है। पश्चिम बंगाल वर्ष 2019 में लोकसभा की जंग का सबसे बड़ा मैदान है। बीजेपी यहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत के आंकड़े को छूना चाहती है, ताकि उत्तर प्रदेश और हिंदी हार्टलैंड में होने वाले नुकसान की भरपाई यहां से की जा सके। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री बनने की बहुत जबरदस्त महत्वाकांक्षा है, यानी मोदी और ममता की जो आपस में महत्वाकांक्षाएं हैं वो टकरा रही हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, और अगर ममता बनर्जी यहां पर 30 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहीं तो वो सीधे महागठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद की सबसे बड़ी उम्मीदवार हो सकती हैं। महत्वाकांक्षाओं का यह टकराव भी पश्चिम बंगाल में होने वाली हिंसा की एक वजह है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं बहुत सामान्य हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावों के संदर्भ में ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि अगर आप 5 बजे तक अपना वोट नहीं डाल पाए हैं तो आपका वोट डाल दिया जाएगा। आप इस बात पर भी गौर कर रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल में वोट का प्रतिशत भी दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता विरोधी पार्टी के मतदाताओं को वोट देने से रोकने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले ये सर्वे किया जाता है कि किस पार्टी का मतदाता किस इलाके में है। इसके बाद विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ मतदाताओं को भी धमकाया जाता है, और फिर मतदान के दिन अगर मतदाता वोट देने के लिए पोलिंग बूथ की तरफ निकलता है तब मतदाताओं को डराने के लिए बम धमाके किए जाते हैं और पत्थरबाजी की जाती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस तरह की हिंसा पूरे देश के लोकतंत्र पर एक काले धब्बे की तरह दिखती है। आप सबके मन में बस एक ही सवाल है, लोकसभा चुनाव का 5वां चरण पूरा हो चुका है, ऐसे में बाजी किस तरफ जाती दिखाई दे रही है। अलग अलग नेताओं के अपने दावे हैं, कोई जीत का दावा कर रहा है तो कोई प्रचंड जीत की बात कह रहा है। इलेक्शन आधे से ज्यादा खत्म हो गया है और क्लियर कट फीलिंग है कि नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं। इस बार कुछ वो नहीं, कोई समीकरण नहीं चलने पाएगा। जनसामान्य का भरोसा और विश्वास हमारे प्रधानमंत्री के प्रति और हमारी सरकार के प्रति बढ़ा है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के लोग जान गए हैं कि अब उनके पक्ष में मतदान नहीं हो रहा है। वो हर तरीके का रास्ता अपना रहे हैं, प्रशासन का दबाव बना रहे हैं, विपक्ष की कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है, जो गठबंधन बना है उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में गया और चारों ओर एक ही नारा है, चारों ओर एक ही आवाज आ रही है, और वह आवाज है फिर एक बार मोदी सरकार। कांग्रेस के नेताओं की बात ही अगर करनी है तो उनकी नेत्री ने ही कहा है कि वो तो वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो वोट काटने के लिए लड़ रहा हो, जीतने के लिए लड़ ही ना रहा हो, उसकी सरकार कहां से बनेगी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान खत्म हो गया है,
आज लोकसभा की 51 सीटों के लिए वोट डाले गए। आज के मतदान में लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से राहुल गांधी और स्मृति ईरानी, रायबरेली से सोनिया गांधी, जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और बीकानेर से अर्जुन मेघवाल की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। सवाल यह है कि देश की जनता का मूड किसकी ओर है। गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में इस बार बीजेपी की स्मृति ईरानी राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दे रही हैं। वोटिंग के दौरान स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। बूथ कैप्चर करने राहुल गांधी पधारे हैं, अभी फुर्सतगंज आया और दूसरी तरफ से न्यूज आई है उनके बूथ कैप्चरिंग की। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, चोरी तो पहले से करते ही थे, अब वोट की चोरी करने आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और लखनऊ लोकसभा सीट से उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने परिवार के साथ विपुल खंड 3 स्थित स्कॉलर होम में बने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। उस संबंध में मैं आश्वस्त हूँ की भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत तो मिलेगा ही मिलेगा, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। एनडीए को दूसरे में जाके मैसेज क्या है, ये पूरी तरह से काल्पनिक प्रश्न है, यह तो संभव ही नहीं है। किसी भी सूरत में हमारे मोदी जी ही भारत के प्रधान। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजस्थान के जयपुर में पत्नी गायत्री राठौड़ के साथ मतदान करने पहुंचे। राज्यवर्धन जयपुर ग्रामीण सीट से चुनाव मैदान में हैं। राठौड़ का मुकाबला ओलंपियन और कांग्रेस कैंडिडेट कृष्णा पूनिया से है। इस बार जाति पंथ धर्म उन सब से आगे मतदान होने वाला है और 23 मई को जो सरकार बनेगी वो पूर्ण बहुमत की भाजपा और एनडीए की सरकार बनेगी। बीएसपी मुखिया मायावती लखनऊ में वोट डालने पहुंचे। इस बार यूपी में एसपी और बीएसपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान के बाद मायावती ने गठबंधन की जीत का भरोसा जताया और देश हित में लोगों से वोट डालने की अपील की। देश और जनहित में बहुत समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो आपको वोट का अधिकार मिला है तो इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, अपने हितों में इस्तेमाल होना चाहिए। इस बीच आज पश्चिम बंगाल में हिंसा भी जमकर हुई है। बैरकपुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया, जबकि टीएमसी ने बीजेपी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। ये ममता बनर्जी का प्रकाष्ठा है, ममता बनर्जी का जुल्म का प्रकाष्ठा है कि उन्होंने इस तरह से लोगों को वोट न देने के लिए सारी व्यवस्था बनाकर रखी है। अभी आपने चुनाव आयोग सबको बताया, आप उम्मीदवार, ये पहली बार है 5 दफा में उम्मीदवार को खुद इस तरीके से मारा गया। उम्मीदवार को मारा गया, वोटर को जब मारा जा रहा है तो उम्मीदवार क्या है, वोटर तो सबसे भगवान है, उनको मारा जा रहा है तो उम्मीदवार तो सेकेंडरी है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बूथ कब्जे का आरोप लगा है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बूथ कैप्चरिंग का विरोध करने पर मारपीट की। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी हार रहे हैं, इसलिए वोट से नहीं रिगिंग से वो चुनाव जीतना चाहते और इसलिए पूरे गुंडों को पूरे हिंसा पूरे पश्चिम बंगाल में हो रही है और ये चुनाव की और लोकतंत्र की एक बहुत ही विडंबना है जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। इस बार के चुनावी महाभारत में हर पार्टी जीत का दावा कर रही है। अखिलेश यादव हर रैली में कह रहे हैं कि चुनाव बाद नया प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 23 मई को महागठबंधन में कुर्ता फाड़ झगड़े की भविष्यवाणी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब देश पर संकट हो या प्राकृतिक आपदा की स्थिति हो तब राजनीति छोड़कर देश और जनता की सेवा में लग जाना चाहिए। पिछले हफ्ते फोनी तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल भी काफी प्रभावित हुआ था, उड़ीसा तो प्रभावित हुआ ही था लेकिन पश्चिम बंगाल में भी काफी नुकसान हुआ। आज भारत के दो मुख्यमंत्रियों ने आपदा की स्थिति में दो अलग अलग उदाहरण पेश किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों ही राज्यों में तूफान से हुए नुकसान की समीक्षा कर रहे हैं। एक तरफ उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए आज भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर गए, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां हालात का जायजा लेने के लिए गए थे।
नवीन पटनायक और प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ इस आपदा का हवाई सर्वेक्षण किया। नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी और प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी बीजेपी उड़ीसा में एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर आपको दोनों नेता एक साथ नजर आएंगे। ये देखिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री को मिलकर कैसे काम करना चाहिए बावजूद इसके कि वो अलग अलग पार्टियों से हैं, ये उसकी तस्वीरें हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो कि तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं, अध्यक्ष हैं। ममता बनर्जी जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री मानने से ही इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वहां के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करना चाहते थे जिससे ये पता चल सके कि वहां कितना नुकसान हुआ है और अगर पश्चिम बंगाल को कोई मदद चाहिए केंद्र सरकार से तो उसका भी पता चले। लेकिन पश्चिम बंगाल के सरकारी अधिकारियों की तरफ से ये कह दिया गया कि चुनाव की वजह से उनके पास समय नहीं है, वो सब चुनाव में व्यस्त हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2 बार फोन किया लेकिन ममता बनर्जी ने उनसे बात नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ममता बनर्जी का अहंकार बताया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने जवाब दिया है कि वो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखती ही नहीं है, यानी वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मानती ही नहीं। हमारे पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी, ये स्पीड ब्रेकर दीदी ने इस चक्रवात पर भी राजनीति करने की भरपूर कोशिश की है। चक्रवात के संबंध में मैंने ममता दीदी से फोन पर बात करने की कोशिश की थी लेकिन दीदी का अहंकार इतना ज्यादा है कि उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मैं इंतजार करता रहा कि शायद दीदी वापस मुझे फोन करे लेकिन उन्होंने फोन नहीं किया। मैंने फिर भी उन्हें दोबारा फोन किया। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए चिंता में था इसलिए ममता दीदी से बात करना चाहता था, वो यहां की मुख्यमंत्री है, लेकिन दीदी ने दूसरी बार भी मुझसे बात नहीं की। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दीदी को अपनी राजनीति कितनी ज्यादा चिंता है, उन्हें पश्चिम बंगाल के लोगों की परवाह नहीं है। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र ने फोनी तूफान से निपटने के लिए भारत के बेहतरीन प्रबंधन की तारीफ की थी। आज दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि दूसरे देशों को भी भारत से आपदा प्रबंधन की यह कला सीखनी चाहिए। ऐसे मौके पर भारत में ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच ऐसा विवाद होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और देश की जनता ये चाहती थी कि कम से कम ऐसे मौकों पर देश के नेताओं को
आपसी दुश्मनी भूल जानी चाहिए, राजनीतिक दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और एक साथ मिलकर काम करना चाहिए था, जैसे नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक इस समय आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। केंद्र और राज्य के बीच इस टकराव की नींव में राजनीतिक घृणा छुपी हुई है। पिछले वर्ष आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्यों में सीबीआई के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी ने कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर से पूछताछ की कोशिश करने वाले सीबीआई के अफसरों को ही रोक दिया था और वो खुद वहां धरने पर बैठ गई थी। यानी आप ऐसा समझिए कि सीबीआई की टीम कोलकाता जाती है और पश्चिम बंगाल में कोलकाता पुलिस उन सीबीआई के अफसरों को कुछ देर के लिए हिरासत में ले लेती है, यानी राज्य पुलिस और सीबीआई की टीम आमने सामने हो जाती है। भारत एक संघीय ढांचे वाला देश है, यहां इस तरह की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जिससे देश के संघीय ढांचे पर कोई चोट पहुंचे। केंद्र और राज्य के इस टकराव को देखकर यह भी समझ में आता है कि हमारे देश में गठबंधन की सरकारें देर तक क्यों नहीं चलती या गठबंधन की सरकारें भारत को आगे क्यों नहीं बढ़ा पाती। भारत में जब भी गठबंधन बनता है तो उसमें हमेशा गठन कम होता है और गांठें ज्यादा होती हैं और इन गांठों की जड़ में राजनीतिक दुश्मनी का जहर होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि गठबंधन की सरकारों में मनमर्जियां ज्यादा होती हैं, भ्रष्टाचार ज्यादा होता है और जनता के काम आने वाली उपलब्धियां बहुत कम होती हैं। ये वजह है। और जब ये सारे लोग एक साथ मिलकर अगर चुनाव के बाद सरकार बनाते हैं, कैसी सरकार बनती है ये आपने कई बार देखा है।